हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएम टमी फूड रेसिपी। आज मैं बना रहा हूँ कर्नाटक का स्पेशल लेमन राइस। लेमन राइस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून नारियल तेल ऐड किया हूँ। तेल गर्म होते ही 2 टेबलस्पून पीनट ऐड किया हूँ, साथ में 1 टेबलस्पून उड़द दाल ऐड किया हूँ। अगर आपको चना दाल पसंद है तो 1 टेबलस्पून चना दाल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ 2 लाल मिर्च। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर ऐड किया हूँ। लेमन राइस स्पाइसी के लिए मैं यहाँ पे ड्राई रेड चिल्ली यूज़ किया हूँ। आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो 3 से 4 हरे मिर्च को बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे 10 से 15 करी लीव्स ऐड किया हूँ। करी लीव्स ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद बारीक से कट करके रखा हुआ 1 मीडियम साइज प्याज को ऐड किया हूँ। ऑनियंस को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चम्मच फ्रेशली ग्रेटेड नारियल ऐड किया हूँ। लेमन राइस में फ्रेशली ग्रेटेड नारियल भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। फ्रेशली ग्रेटेड नारियल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से फ्राई करके लिया हूँ। उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया हूँ। अगर आपको हरी मिर्च नहीं तो लाल मिर्च पसंद नहीं है तो 1 चम्मच चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करके एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेमन राइस बनाने के लिए 2 कप सोना मसूरी राइस को तैयार करके लिया था। राइस पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। मैं अब ये तैयार करके रखा हुआ मसाला में राइस को ऐड कर रहा हूँ। लेमन राइस बनाने के लिए राइस पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको इसे ऐड करना है। अगर आप राइस गर्म रहते ऐड किया तो राइस कट होने का चांसेस रहते हैं, इसे लेमन राइस अच्छा नहीं बनता है। राइस ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके ले रहा हूँ। लेमन राइस में मेन इंग्रेडिएंट है लेमन जूस। मैं यहाँ पे 2 लेमन का जूस ऐड कर रहा हूँ। होटल और शादियों में बनाने वाला इस लेमन राइस को कर्नाटका में चित्रान्ना बोलते हैं। लेमन राइस ऐड करने के बाद मैं ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर रहा हूँ। लेमन जूस और धनिया पत्ता राइस में अच्छी तरह से मिक्स होने तक हमें इसे मिक्स करके लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है ये लेमन राइस, घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये टेस्टी लेमन राइस को आप कौन सा भी फंक्शन में भी बना सकते हैं। फंक्शन में बनाते वक्त थोड़ा सा काजू और किशमिश को ऐड किया तो टेस्ट और भी बढ़ता है। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आया रहेगा। पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर वापस आऊंगा। अंटिल देन, बाय फ्रॉम विश्वास।